सब्जी में नमक ज्यादा किसका? ये भी ठीक कह रहा है। देख 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 भंडारा देखते ही कैसे जीव लबलबारी। देख देख शाम के 6:50 हो चुके हैं और पूजा का भी समय हो चुका है। पहले नहाते हैं समर सेविल में और फिर पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। जल्दी जल्दी तो बोले हैं अपने गांव कस्बा करने वाले में और अभी हम घूम रहे हैं और कावड़ यात्रा के ये नजारे आप लोगों को जैसे कि सिनेमैटिक के थ्रू मैं दिखाने वाला हूँ। देखा ना, और ये गंजा बोला जो पिछले साल 71 लीटर जल लेकर के आया था, इस साल कुछ मतलब इस बार चेल गया। चेला नहीं है किसी अगली बार किसी कारण की वजह से नहीं जा पाया, मतलब घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इस वजह से। तो अगली बार भोले सरकार, अगली बार भोले को अच्छी तरह नुहा देंगे। अगली बार भोले सरकार। देख 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 भंडारा देखते ही कैसे जीव लबलबारी। देख 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 बेमतलब नहीं कम नहीं कहा। मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, थोड़े सेवों में लगे हुए सेवों में। ये है मंगल बाजार कस्बा करनावल का। तो बोले जब मैं रात को यहाँ पे आया था ना, तो यहाँ के नज़ारे पता क्या था? पता क्या था? झाल पता ले गए यहाँ तक भाई, कोई नहीं था पूरे रास्ते पे। मुझे क्या पता लौकी की सब्जी में नमक ज्यादा किसका? यह भी ठीक कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि यह थोड़ी पता होगा, यह थोड़ी मेरी ज्यादा। जब मैं रात आया था ना तब पता क्या हो गया था? शेर मुझे क्या पता बैंगन क्यों कच्चे रह गए, मैंने सिट्टी सही लगाई उसको। वैसे भी हमें क्या पता ऑटो में चौथा पहिया क्यों नहीं होता, मतलब ये बात क्यों पूछ रहा भाई? ये बात हमने तो दो पहिए देखे बस। तो बोले मैं बता दूं, जब मैं रात को आया था यहाँ बारिश हो रही थी बहुत तगड़ी, और बारिश होने के कारण यहाँ पे कोई नहीं था, मतलब जो प्रोग्राम अब हो रहे हैं ना फिलहाल में, कारण कोई भी नहीं था। मैं देख रहा हूँ भाई, क्या कारण लगा, क्या लॉजिक लगा भाई ने, बारिश होने का कारण कोई भी नहीं था। हाँ मतलब हमें क्या पता बिग बॉस में नेजी लास्ट लुक है। तो बोले एक साइड तो घूम के आ चुके हैं, अब जा रहे हैं दूसरी साइड, मतलब हम रहते हैं बिल्कुल बीचो बीच। हाँ भाई बोले इस बारे में कुछ कहना चाहोगे तुम? बाल भोला करना पड़ेगा। उज्जवल चला गया बाइक लेके, क्या कहना चाहोगे इस पर? दो टिप्पणी, मतलब टिप्पणी दो इस पर कुछ, दो शब्द। बहुत अच्छी यात्रा हुई, मंगल यात्रा है, हम सबकी यात्रा सफल करे। जैसे कि वो बोला है बोले को एक बहू और जिया बुझो क्या की चीज़ बोलो बोले गोपाल एक सच्ची और जिया मैं जिसकी गैल बच्चे हो दो। क्या कह दिया? हमारे तो पहले 3 बच्चे देखो हेरा हेरा, हम अपने वाली तो खुश है, इसे एक बोली और जी है बोलो कैसी लगे काली बोली जैसी चाची है हमारी। चलो ठीक है पूजा करो डायरेक्ट की सगड़ी छोरी। अब मैक कैसी लगी? मजा आ गया है? तो मैक से पेट भर गया तो पता दोबारा दिलवा के मर गया मैक से पेट भर गया ये सारे चेल दोबारा घुमा के लेकर आऊं पांच चिलपटा भाई टॉप के भरने देख थरका चाय पीन चल रहे हैं राजा थरका चाय 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 बड़े चाय शिव कावट सेम समिति बोले की तरफ से
भंडारा किस चीज का? रुआब से का। तो हमारे लिए आ रहा हूँ मक्का भर के। तो बोले हम पहुंच चुके हैं कस्बा करनावल। तो अभी क्या सीन है? अब हम गांव का तो देख के आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं कहाँ? मेरठ कंगरखेड़ा बाईपास या मधुपुरम, जहाँ भी डीजे मिलेगा क्योंकि वहाँ चल रहा है कंपटीशन। बोले हम चल दिए हैं मेरठ के लिए और अभी करनावल गांव को छोड़ने वाले हैं मात्र 2 मिनट में। और हमारे साथ कौन कौन है? गोलू बोला, शोभित बोला, शिवम बोला, रवि बोला। और आज आप लोगों को दिखाएंगे मेरठ के नज़ारे। तो फटाफट पहुंचते हैं और फिर मिलते हैं। तो भैया जी नानू पहुंच चुके हैं नानू, और यहां से लगभग बाईपास रह चुका है 7 से 8 किलोमीटर। मुश्किल से 10 मिनट और लगेगी और आपको दिखाने वाले हैं सारे डीजे जो भी मिलेगा। तो भोले पहुंच चुके हैं बाईपास, अब हमें जाना है यहां से लेफ्ट। तो लेफ्ट पहुंच के जहां पे भी जो डीजे मिलेगा वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। और ये है कंकरखेड़ा बाईपास। तो भोले ये रहा मेन हाईवे जो दिल्ली से हरिद्वार के लिए जाता है, और इसी रास्ते में मिलेंगे सारे डीजे। इससे आगे लगभग 5 किलोमीटर आगे टोल पड़ता है, उसी टोल पे होते हैं सारे कंपटीशन। और प्लस जो हमारे साथ के बोड़े हैं वे भी आगे निकल चुके हैं। तो भैया जी हम पहुंच चुके हैं जहां पे हमें पहुंचना था, और सामने से एक डीजे आ रहा है, इसका नाम अभी पता नहीं है, देख के बताते हैं और आप लोगों को दिखवाते हैं कि कैसी बेस है, कैसा मजा है। ठीक है, तो अभी जैसे डीजे आएगा आप लोगों को दिखना होगा यार, है ना। तो डीजे आता है दिखाओगे और मजा लेंगे पूरा, और आपको भी दिखाएंगे। देख सकते हो डाक कावड़ आ रही है, इधर बहुत सारी डाक कावड़ आ रही है, और इधर पूरा का पूरा रोड जाम है, इधर से लेके वहां तक आगे तक, मतलब जहां से हम आए ना वहां तक तो है ही, उससे आगे भी होगा मेरे ख्याल से, है या नहीं कैसी भाई? तो अब वहां से एक और डीजे आ रहा है, कोई खतरनाक नाम देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं मनोरंजन के वास्ते पूरा। खतरनाक लग रहा है, जो लेजर दिख रही है ना पीछे कोई डी जा रहा है उसे देख करके फिर निकलते हुआ है और पीछे
पीछे कोई डीजे आ रहा है फिर से दाम लेगा 100%, क्योंकि जो पीछे अभी डीजे दिखाया ना उसके साथ कंपटीशन होगा 100%। तो भोले दोबारा से बाइक पे बैठ गए हैं, डीजे आ गए हैं, कम से कम 3 किलोमीटर और 3 किलोमीटर खींचते हैं, आपको दिखा के जरूर जाएंगे डीजे, कुछ भी हो जाए चाहे, क्योंकि आए हम भी डीजे देखने हैं। निवेदन है कि आप जब तक जाम ना खुल जाए तब तक धैर्य बना के रखें, उसके बाद आपके मनोरंजन में बढ़िया बढ़िया भोले के भजन। तो बोले योरा कटन खसाना डीजे आप लोगों को दिखाते हैं जब बजे गए। तो बोले 4 बज चुके हैं सुबह के और डीजे में कोई चला नहीं, किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। अब पता नहीं कसाना के वहाँ जाके पता करते हैं, अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम निकल रहे घर के लिए। तो बोले किस्मत ही खराब है, डीजे बजता हुआ मिला ही तो नहीं कोई, ये जाम देख लो। तो बोले हम जा रहे थे मतलब घर, लेकिन हमें एक सीन और दिख गया, कोई लेडीज है वो बिल्कुल बनछन के चल रही, सुबह के टाइम ऐसा क्या कर रही, तो जाके देखते हैं, कह रहे कि भूत भूत है, बन ठंडक है, मतलब हम रात के जाए हुए यार, हमारे बाल बाल ऐसे हो रखे बिल्कुल तितर बितर। तो अभी जाके देखते हैं क्या सीन है। बोले हम तो गलत ही सोच रहे थे कुछ ये तो वो लिखने क्या बोल रहे हैं, कावड़िए कावड़िए लिखने कावड़िए। जहाँ पर हम रुके हुए हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं और इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगला जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है यहाँ से पूरा महादेव का जल अभिषेक करने का, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।